हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग तो अभी मैं जा रही हूँ जूडियो की जूडियो पे शॉपिंग करने और मैं उसका पूरा विंटर कलेक्शन आपको दिखाऊंगी मैं नॉर्मली विंटर्स की बहुत कम शॉपिंग करती हूँ तो मेरे पास हमेशा से कलेक्शन ना जो विंटर्स का होता है बहुत कम होता है और मैं उस दिखाती हूँ कि इस बार जूडियो पे विंटर्स का कलेक्शन कैसा है जैसे कि हमेशा से आपने सुना है ना कि जूडियो सबसे सस्ता जूडियो सबसे सस्ता ब्रांड जूडियो तो मैं भी देखती हूँ आज आके कि विंटर कलेक्शन कैसा रहता है बिकॉज तो मैं जब भी कहीं पे भी विंटर कलेक्शन लेने जाती हूँ अगर जैकेट्स वगैरह की बात करें तो वो फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड ऐसी रहती हैं तो अभी देखते हैं कि जूडियो पे क्या कलेक्शन है तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट तो हम लोग आ गए हैं जूडियो पे जूडियो हमेशा से मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है कॉज यहाँ की प्राइज रेंज जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो 399 देखते ही बस मैंने सोचा क्या है 399 में तो यस 399 में ये जो समर कलेक्शन है वो सारा मिल रहा है इस टाइम पे और इसके बाद मैंने ये पोलोवर देखा जिसका प्राइस था सेवन और ये बहुत ही प्यारा था तो अभी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और यहाँ मेरा बेटा आप लोगों को हाई कर रहा है उसके बाद यहाँ पे मैंने ये स्वेटर देखा ये बहुत अच्छा लग रहा था पुल और इस पर बीट्स का वर्क हो रहा था उसके बाद ये पुल देखा मैंने और ये पुल बहुत अच्छा था ये इस पे क्रोशिया वाला वर्क हो रहा था तो ये सिक्स नाइन्टी नाइन में था इसकी प्राइस भी काफी सही था और इसके बाद ये बैले स्लीपर्स किसी ने गलत जगह रख दिए थे ये फोर नाइन्टी नाइन के थे काफी अच्छे थे उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने के लिए प्राइस जीन्स का भी प्राइस लेकर आई तो देखा यहाँ पे सेवन नाइनटी नाइन में सारी जींस है तो लूट लो वाली सेल है इस टाइम पे तो बस दे ले लीजिए जाके उसके बाद मुझे यहाँ पे सबसे जो लेना था वो था जैकेट्स तो जैकेट्स के प्राइस रेंज आपको पता है कितना ट्रिपल नाइन और एट नाइन्टी नाइन ये सारी जैकेट्स ट्रिपल नाइन और एट नाइन्टी नाइन की थी तो सबसे पहले मैंने ब्लैक जैकेट उठाया जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेटेड थी इसमें चार कलर ऑप्शन है ग्रीन पर्पल और पीच कलर एंड ब्लैक कलर और चारों ही कलर ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाले हैं बिकॉज मैं भी लिटरली बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी उसके बाद बराबर में ही ये फर वाले जैकेट्स थे जो भी बहुत क्यूट लग रहे थे ये yes, इसको मैं क्यूट ही बोलूँगी बहुत प्यारे लग रहे थे और ये जो बिल्कुल होता है ना हमें सडनली कहीं जाना पड़ जाता है तो बस उठाओ और चल दो ये वाला वो वाली चीज है पहन के चल दो तो ये इसको देख के ना मैं नहीं रह पाई तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसी को ट्राई करती हूँ तो बस मैंने इसको ट्राई किया ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे भी पहनने में ही समझ में आ गया था कि बस मैं इसको तो लेने ही वाली हूँ बट अगेन मैं यहाँ पे खुद दोबारा से कंफ्यूज हो रही थी कि मैं यहाँ पे कलर का ऑप्शन कौन सा लू तो मैंने इसको पहना और ये बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत क्यूट वाला जो बोलते हैं ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ये बाद बहुत मैंने ये जैकेट ट्राई की कॉज उसमें मैं ले चुकी हूं और ये मैंने यहाँ पे मैं सोच रही थी इसको इसमें से कौन सा कलर लू तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर भी मैंने ट्राई किया उसके बाद ये पीच कलर मैंने ट्राई किया इन शॉर्ट मैंने सारे सारे कलर ट्राई करने हैं बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा विच वन इज़ गुड और ये पर्पल कलर तो बहुत ही ब्राइट लग रहा था मतलब अच्छा सा क्यूट वाला लग रहा था उसके बाद बस मैंने ले ली जैकेट फाइनल किया उसके बाद मैं यहाँ पे ये पुलोवर्स देखने आ गई मेरे का पुलोवर्स लेने का मेरा ज़्यादा मन नहीं है बट ठीक है अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा देखती हूँ और आप लोगों को भी तो दिखाना था ना तो ये जो सारे फोलोअर्स थे ना इसको तो आप इस यहाँ पे 899 लिखा है बट ये 899 के नहीं ये सब 799 के थे और इसमें एक या दो कुछ पीसेस थे जो 899 वाले थे के बाद ये कुछ स्वेटर्स थे या कार्डिगन्स बोलेंगे आप जो भी है बट ये भी सेवन नाइन में थे बट इसमें कोई ठंड नहीं जाने वाली है ये बिल्कुल झिल्ली वाले थे बिल्कुल जाली वाले बट ये बहुत प्यारे लग रहे थे क्यूट वाले कह सकते हैं और ये गोल्डन कलर था कैमरे में शायद इतना विजिबल नहीं होगा बट ये अच्छा था काफी आ, शादी वगैरह में ना आप इसको थोड़ा बहुत डाल सकते हो कि थोड़ी बहुत ठंड बचानी है बट ऐसा ठंड नहीं जाने वाली है उसके बाद मेरा मुझे फिर से दोबारा से मैं इस पर गई तो ये एट नाइन्टी नाइन मेरे यहाँ पर इन्होंने सौ रुपये बढ़ा दिए थे एनी क्या कर सकते हैं और एट नाइन्टी नाइन के हिसाब से ये बहुत सस्ता था अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना बहुत महंगे मिलेंगे और इसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे इसको देख के भी मेरे को नहीं रहा गया बिल्कुल तो बस मैंने सोचा देख लेती हूँ तो ट्राई करके जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था नॉर्मली वुलन्स कपड़े में ना हमें क्या होता है कि थोड़ा सा लगता है ये हमें चुभ रहा है या कुछ हो रहा है लेकिन इसमें वो सब चीज़ें नहीं थी बहुत सॉफ्ट था और ये काफ़ी वॉम भी था तो इसको तो मैं बिल्कुल थम्स अप वाला बोलूंगी और बहुत अच्छा कलेक्शन बोलूंगी कि मतलब इतनी अच्छी वेराइटी आपको मिल रही है तो आप बिल्कुल मिस नहीं करूँ और उसके बाद ये जस्ट थ्री नाइन्टी नाइन में यहाँ पे पैंट्स प्लाजोस मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छी रेंज थी और ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा एथनिक और वेस्टर्न ड्रेसेस का था और ये जस्ट फोर नाइन्टी नाइन में मिल रहा था कुर्ते शायद मुझे लग रहा था कि मे बी शायद समर कलेक्शन पे थोड़े प्राइज़ में बहुत ज़्यादा ही कम कर रखे थे और ये ड्रेसेस भी बहुत प्यारी लग रही थी वो भी जस्ट सेवन नाइन्टी नाइन फाइव नाइन्टी नाइन ये सारे रेट्स थे और काफ़ी अच्छी अच्छी, अच्छी ड्रेसेस थी और समर्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा वाला था इतने प्यारे प्यारे कलर्स इतने इन कलर्स थे ना और बस मैं अभी पाँच दस मिनट ना मैं इसी में खो गई कि मुझे ना तो भूल ही गई थी कि मुझे विंटर्स देखने हैं यहाँ पे लेकिन बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे और ये जो क्रॉप टॉप है ना ये 499 में थे और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और काफ़ी अच्छे भी थे इस ड्रेस पे मेरी निगाह गई और मैंने देखा ये जस्ट एट नाइनटी नाइन में ये पूरा ड्रेस नीचे वलाजो वाला फ्रिल में था और मतलब तो किसी भी पार्टी वगैरह में इसको खुशी खुशी कैरी कर सकते हो वो वाला था बहुत अच्छा था ये भी उसके बाद मुझे कुछ लोअर्स देखने थे तो यहाँ पे ये लोअर देखने आ गई तो ये वेल्बेट का लोअर था और इन लोगों की पूरी शैतानी चालू थी यहाँ पे और देखिए जैसे ही कैमरा में दिखाती हु ना इसके तरफ पूरे पोजेस चालू हो जाते हैं उसके बाद ये स्लीपर्स यहाँ पे लगे हुए थे ये सारे स्लीपर्स थे और इसमें से काफी काफी ज्यादा लोगों ने लिया है मैं खुद देख रही थी आज तो बस दोबारा से मैं फिर इसी लोअर पे आ गई कॉल्स मुझे लग रहा था कि मैं ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि ये वाले लोअर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह की भी काफी वाइड रेंज है और बहुत अच्छा सब कुछ थ्री में कुछ भी लीजिए थ्री में ना शॉप पे भी नहीं मिलता है तो अभी फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लिपर्स देखे जो कि क्रॉक्स स्टाइल में थे और काफी अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर्पल वाले को ट्राई किया जाए तो सी इसका प्राइस था टू नाइनटी नाइन और मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्लिपर्स लिए थे शॉप से तो वो अराउंड एट ना एट हंड्रेड या नाइन हंड्रेड समथिंग के दिए थे तो मैंने ये स्लीपर्स ट्राई किए और मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे काफ़ी कंफर्टेबल थे बट ये साइज मेरा नहीं था उसके बाद अगर आपको क्रॉक्स में स्लीपर्स चाहिए ना थोड़े क्रॉक्स वाले स्टाइल में चाहिए और उसमें थोड़ी सी हील्स चाहिए तो सी इसको देखिए ये बहुत ही अच्छा है और ये जस्ट थ्री में है भैया कहीं नहीं मिलता ऐसा मुझे तो लग रहा है कि उन जूडियो वालों को ना मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए मैं ही प्रमोट कर दे रही हूँ उनको अपने ब्लॉग्स बना बना के उसके बाद मैं फिर अगेन विंटर कलेक्शन पे आ गई मैंने आपसे बोला था ना सब विंटर कलेक्शन में पोलोवर्स हल्की फुल्की जैकेट्स जो हैं वो सब सेवन नाइनटी नाइन में है और ये देखिए कितना ब्राइट कलर लग रहा है ना ब्राइट कलर ऑप्शन भी मिलेंगे यहाँ पे और सॉफ्ट कलर ऑप्शन भी मिलेंगे तो यहाँ पे बस मैंने एक के बाद एक पुलोवर्स दिखा रही थी, थी पिंक पर्पल उसके बाद हाँ मैंने फिर पिर पिर ये वाला 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 देखा तो मेरे चुपचाप तो रख दो तो अगेन मेरा इस पैंट्स वगैरह पे मन किया क्योंकि यहाँ पे पैंट्स कुछ ज्यादा साइड्स में रखी थी लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी और ये मुझे सेवन नाइन्टी नाइन में दिख रही थी तो मैंने सोचा सेवन नाइनटी नाइन में और इस स्टफ़ में कॉज ये वेलवेट वाला स्टफ है लाइंस वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था तो उसके बाद मेरा ये तो ब्लैक वाले पे मन ही आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए तो मैं आ गई ट्रायल रूम में और मैंने इसको पहन के देखा ये लिटरली बहुत ऑसम लग रहा था तो मेरी शॉपिंग ना बढ़ती जा रही थी मैं बहुत सोच के आई थी मैं कम कपड़े लूंगी एनी उसके बाद मैंने ये लोअर ट्राई किया क्योंकि मेरा बार बार मन हो रहा था इस पे करने का कि मैं लूंगी तो मैंने बस ले लिया अभी मैंने दोनों ले लिया है और दोनों ही बहुत प्यारे हैं उसके बाद आ गए अपने कॉस्मेटिक वाले सेक्शन पे क्योंकि हम तो बिना आए रह ही नहीं सकते यहाँ पे तो बस मैंने यहाँ पे ट्राई किया लिप ग्लॉजेस और लिप ग्लॉजेस लिपस्टिक्स लिक्विड लिपस्टिक्स स्टिक लिपस्टिक लिप सारी लिपस्टिक्स 149 में थी तो वो सिर्फ़ जूडियो पे ही मिल सकती हैं कॉज आपको ब्रांड में कुछ चीज़ मिल रही है ना कॉस्मेटिक में 149 में तो नहीं हो सकता भैया जूडियो के अलावा उसके बाद मैंने यहाँ पे नेल पेंट्स भी देखे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी रेंज थी और बस मैंने सोचा यहाँ पे नेल पेंट ट्राई किया जाए क्यों नेल पेंट का मैं सोच रही थी कुछ न्यू लिया जाए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स थे उसके बाद मेरी फिर से निगाह इस लिप ग्लॉस पे चली गई थी तो मैं सोच थी मैं देखूँ जरा और ये बहुत ही प्यारा कलर लगा तो बस मैंने ले लिया और इसका अब मैं कलर निकलवाऊंगी कॉज इसके टेस्टर्स रखे हुए थे तो हम सब सारे टेस्टर्स ही ट्राई कर रहे थे उसके बाद मैंने यहाँ पे नील पेंट्स देखे और ये सारे ही नेल पेंट्स सेवेंटी नाइन में थे और जूरियो के जितने भी नेल पेंट्स मैं पे इससे पहले लेके गई ना वो काफ़ी टाइम तक स्टे किए हैं नेल्स पे तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ये नहीं है कि मतलब अभी इस लगाओ और बाद में बिल्कुल खराब हो जाए नहीं ऐसा नहीं रहता है तो मैंने मैं यहाँ सोच की कि मतलब मेरे को नेल पिन लेने हैं और नेल पिंस यहाँ पे बस बहुत ही प्यारे प्यारे कलर से लेविन आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जैक्टली आपको कौन सा लेना है यहाँ आप... साइड में माइसलर वाटर और रिमूवर रखा था जो कि पूरा खत्म हो चुका था बस ये चीज मुझे लगी कि इनको देख के रखना चाहिए था यहाँ पे कि माइसलर वाटर है या नहीं है सब खाली पड़ा था तो जैसे तैसे काम चलाया उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये पाउचेस ये थे जस्ट इमेजिन करिए गैस करिए आप लोग कितने का होगा टू फोर्टी नाइन गैस तो ये थे टू फोर्टी नाइन में उसके बाद साइड से भी मैं पता नहीं मेरी निगाह पे क्यों नहीं गई उसके बाद मैंने देखा जाके ये भी जस्ट सेवन नाइन्टी नाइन में थे तो मेरी यहाँ शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ किट सेक्शन तो ये यहां से स्टार्ट होता है ये फर्स्ट फ्लोर पे है किट सेक्शन किट सेक्शन की वैरायटी तो मैं ज्यादा वाइड नहीं बोलूंगी बट ठीक है ये जो जैकेट है ये 899 में है और ये क्यूट क्यूट बच्चों की जैकेट्स और बहुत ही प्यारे प्यारे पलोवर्स थे जो कि जस्ट सेवन नाइनटी नाइन में थी मुझे लग रहा था उन्होंने बच्चे और बड़े सबकी सब सेवन नाइनटी नाइन में रख दिया है और ये फाइव नाइन्टी नाइन मैंने जैसी इसको देखा ना ये बहुत क्यूट लग रहा था इसको देख के ना मेरे को ये लगा कि काश मेरे पास बेटी होती मैं भी ऐसी क्यूट क्यूट, क्यूट कपड़े पहनाती बट क्या करते हैं एनी मैं यहाँ पे किड्स के बॉय सेक्शन पे आई तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला यहाँ पे इवन मेरे जो बड़े बेटे का है ना वो लोअर नहीं मिले यहाँ पे बस जीन्स वगैरह थी डाइनम्स में थे तो ये जो पुलोवर्स हैं ये भी जस्ट 599 और 499 में थे इससे ऊपर इससे नीचे की रेंज कोई भी नहीं थी और वाइड रेंज तो नहीं बोलेंगे लिमिटेड था स्टॉक बट जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत क्यूट क्यूट था मेरे बच्चों के साइज़ नहीं है यहाँ पे तो बस मेरे बेटा बोल रहा था कि मम्मा आपने तो शॉपिंग कर ली मुझे नहीं करोगे मैंने कहा बेटा साइज ही नहीं मिल रहा है तो साइज वाला मतलब नहीं मिल रहे थे तो ये सारे ही बहुत क्यूट क्यूट थे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना हम उनके लिए आगे यहाँ पे अच्छी शॉपिंग कर सकते हो जस्ट फोर नाइनटी नाइन में सारे पोलवर्स थे और ये सोचा मैंने कि मैं अपने बेटे के लिए ले लेती ले हूँ लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हाँ हालांकि कुछ ब्राइट कलर नहीं था तो ठीक है अब बस मुझे लगता है कि शायद ये आगरा का जूडियो था ना तो यहाँ पे शायद वैरायटी थोड़ी सी कम थी शायद मे बी डेली या मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा वाइड रेंज हो लेकिन ये मैंने आपको आगरा का दिखाया है और गर्ल्स के लिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगी मस्त है तो ये फ़ेस शीट मास्क भी जस्ट फोर्टी में था मैंने इससे पहले फ़ेस शीट मास्क जूडियो का नहीं यूज़ किया है तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको जरूर से रिव्यू दूंगी उसके बाद यहाँ पे डी वग़ैरह देखिए तो डीओवी जस्ट नाइनटी नाइन में थे बहुत अच्छे लग रहे थे उसके बाद अगेन ये पोलोवर मेरे बेबी गर्ल का बहुत प्यारा लग रहा था ये तो मैंने सोचा देख लेती हूँ तो अभी बस बिल करा के अभी हम चल दिए है कलेक्शन है आज मैंने भार भर के शॉपिंग करी है है ना <laughs> ये ये थी मेरी शॉपिंग मतलब आप लिटरली अपने मन को मारोगे मतलब अगर आप सोच के आए हो ना कि मुझे इतने की शॉपिंग करनी है तो मन को मारना पड़ेगा आओ, और बस मैंने आज फुल ऑन शॉपिंग करी है मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है बट बहुत अच्छा कलेक्शन है गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है किड्स के लिए तो मैं इतना अच्छा नहीं बोलूँगी तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग मैं कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट